आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रतिबंधित कीटनाशक डाइमेथोएट 30% ईसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो प्रतिबंधित कीटनाशकों के बारे में सिर्फ जानकारी के लिए बताया जाता है, लेकिन ये दवा डाइमेथोएट बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है और जिसका प्रयोग भी करते हैं, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिबंधित है तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, इसके यूज के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसे मार्केट में उतारे हुए हैं जिनका प्रयोग किसान कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब अगर आपकी मर्जी है तो आगे की आप वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। डाइमेथोएट ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह की कीटनाशक व घुलनाशक दवा है जो कि अपने लक्षित कीटों तेला, माहू, चुड़दा, सफेद मक्खी के साथ साथ घुन को मारने का काम करती है। बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की तो यह संपर्क और पेट की क्रिया के माध्यम से कीट के तंत्रिका तंत्र के एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज में अवरोध उत्पन्न कर उन्हें मारने का काम करती है। यह पौधों में बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से अवशोषित होकर के ऊतकों में फैल जाती है। इससे छिड़काव के समय जो कीट उपस्थित नहीं होते हैं और बाद में आकर के पौधों का रस चूसने का काम करते हैं, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी ही हो जाती है। बात करें अगर इसके प्रयोग के मात्रा की तो 400 से 500 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ इसका प्रयोग करना है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो येलो लेवल की होती है। बात करें अगर इसके मार्केटिंग नाम की तो HPM से रोगोहिट, टाटा से टैफगोर, NAC से क्रॉप डायमंड, FMC से रोगर, सुफिल से बीमेट, हिंदुस्तान केमिकल से निगोर, क्रिस्टोनिक्स से क्रिस्टोगोर नाम से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे नाम बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं, आप प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्रतिबंधित दवा है और कोई भी दवा जब प्रतिबंध उस पर लगाया जाता है तो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और तब जाकर के उस पर प्रतिबंध लगता है। तो ऐसे में मैं यही बताना चाहूंगा कि आपको इस दवा का प्रयोग आज के बाद तो नहीं ही करना है, क्योंकि और बहुत सारी दवाएं हैं जो ऐसे कीटों के लिए नियंत्रण में काम आती हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए भी इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, तो आप उनका प्रयोग कीजिए, इनका प्रयोग आप मत कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app टू नेवर मिस एन अपडेट।